हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके हमारे चैनल पर कमलेश। फ्रेंड्स, आज के शेड्यूल में आप सीखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना। उसके बाद हम सीखेंगे एक्सेल लुकअप के थ्रू कैसे हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में या गूगल शीट में जब भी हम काम करते हैं, हमारे पास डेटा जो है किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास अभी डेटा मैंने तैयार किया हुआ है, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कॉलम मैंने रखा हुआ है सेल्स पर्सन, फिर दूसरे में है सिटी और फिर है सेल। तो डेटा आपके पास किसी फॉर्मेट में हो सकता है, बट वैल्यू अगर कहीं पर भी है आपके पास, तो उसमें से अगर आपको जानना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो नॉर्मली जब हम कहीं कंपनी या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या है कि टॉप थ्री या टॉप बॉटम थ्री अगर निकालना हो, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, तो उसको हम कैसे एक्सेल में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि अगर इस डेटा में से अगर सबसे हाईएस्ट वैल्यू अगर हमें जाननी है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, और फिर हम जानेंगे सबसे अगर कम वैल्यू अगर हमें जाननी है तो उसको हम यहाँ पर कैसे निकालें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ लार्जेस्ट वैल्यू। तो ये मैं एक कॉलम बना देता हूँ यहाँ पर, तो जिसमें हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब भी आप हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए अगर जैसे हाईएस्ट वैल्यू को हम क्या कंसिडर करते हैं, वन, तो ये है टॉप के केस में। सेम बॉटम के केस में भी हम वन ही यूज करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू की, वो भी इस डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैन्युअली वन, तो इसका मैं एक कॉलम यहाँ पर ऑलरेडी ये है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वन, यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि जो सबसे टॉप जिसकी यहाँ पर सेल है, तो उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जाएगा वन। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे लार्ज फंक्शन। तो लार्ज जब यूज करेंगे तो ये पूछेगा आपसे एरे, तो एरे के लिए आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से कॉमा, फिर के मीन्स जैसे ये सीरियल नंबर आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि मुझे एक ही यहाँ पर टॉप वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसलिए अभी मैनुअली वन टाइप किया है, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हाइस्ट वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। तो ये अगर आप देखें डेटा के अंदर, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो इसने बताई वो बताई यहाँ पर मनोज जोशी, क्योंकि अभी हमें इसका क्या है कि सेल्स पर्सन का नेम भी यहाँ पर जानना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट कर लेंगे और सेल्स पर्सन वाले को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम लुकअप के थ्रू तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट की वैल्यू नहीं ले सकते, तो इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक्स लुकअप, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा लुकअप एरी। हम किस में से किसके बेस पे हमें डेटा चाहिए, सेल के बेस पे, तो इसलिए हम ये वाला कॉलम यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर हमें रिटर्न एरे में क्या चाहिए, वो चाहिए हमें यहाँ पर सेल्स पर्सन का नेम, दैट्स इट। तो ये आ गया मनोज सिंह। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ ऑटोमेटिक उसका यहाँ नेम भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर हाईएस्ट वैल्यू अगर हमें जाननी है, ये तो मैंने बताया कि सिंगल अगर हाईएस्ट वैल्यू अगर हमें जाननी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें यहाँ पर टॉप थ्री अगर परफॉर्मर है उनका अगर यहाँ पर हमें डेटा चाहिए, तो ये मैंने एक यहाँ पर ऐड कर दिया और इसका हम थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं, और ये अब हमें चाहिए यहाँ पर टॉप थ्री परफॉर्मर, यानी कि टॉप थ्री ऐसे हाईएस्ट सेल्समैन जिनकी यहाँ पर हमारे पास सबसे हाईएस्ट सेल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले केस में हमें क्योंकि हमें एक ही चाहिए था तो हमने वन रखा था, अब इसी को हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ा देते हैं टू एंड थ्री। तो इसको भी हम इस तरह से सेंट्रलाइज कर देते हैं और 16 इसका हम यहाँ पर ये रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये हमें यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए हम फिर टाइप करेंगे यहाँ पर लार्ज एरे, हम सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला क्योंकि हमें सेल के हिसाब से चाहिए, और यहाँ पर हो रहा है ये, तो ये हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं।
तो ये रिजल्ट आ गया, अब इसको हम ड्रैग कर लेंगे। और ड्रैग करने के बाद एक चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ आपको दिख रहा है एरर। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी आप किसी भी एरे में से डेटा लेते हैं तो हमेशा याद रखें कि आपको यहाँ पर F2 करके इसको फ्रीज कर लेना है। फ्रीज क्यों करना है इसका भी रीजन बताता हूँ आपको। यहाँ तक आपको रिजल्ट सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सही है बिल्कुल रिजल्ट। लेकिन सेकेंड में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें उस सेल का जो एरे है वो बिल्कुल सही है, F6F22, यानी कि F6 ये रहा, F22 ये रहा। तो जैसे हम यहाँ पर इस वाले इसमें आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर रिफरेंस यहाँ पर चेंज हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर आपको इसको फ्रिज करना पड़ेगा ताकि जो इसको जो है कोई भी इसमें चेंज ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। अगर आपके लैपटॉप में F4 की है तो आप F4 से बचते हैं, अदरवाइज आप इसको इस तरह से डॉलर साइन से इसको फिक्स कर देंगे। तो अब क्या होगा, मैं इसको अगर कॉपी करूंगा तो यहाँ पर ये कोई चेंजेज नहीं हुआ है, यानी कि दैट मीन्स ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पर आ गया। तो टॉप परफॉर्मर निकल के आ गए फ्रेंड्स। तो पहला टॉप ये है मनोज जोशी, देन उसके बाद 927 तो ये है नरेंद्र सिंह, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और फिर लास्ट में है 83805 जो कि है अंकुर सिंह। तो टॉप 3 परफॉर्मर निकल के आ गए हैं। अब हम यहाँ पर इसका एस लुकअप के थ्रू यहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम यहाँ पर लाएंगे। तो एक्स लुकअप टाइप करेंगे, इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। लुकअप एरे हमारा रह जाएगा ये वाला, और उसके बाद आखिरी में हम चाहिए रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हम कैसे यहाँ पर सेल्स पर्सन का नेम, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए सबके यहाँ आउटपुट आ गया है, और इसका भी मैं यहाँ पर साइज 16 कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कैसे पहले आप किसी भी डेटा में से, चाहे कोई भी कितनी वैल्यू में डेटा हो, तो उसका आपको हाईएस्ट अगर सिंगल एक कोई निकालना है तो कैसे उसको निकाल सकते हैं। अगर आप उसमें टॉप 3 या टॉप 5 जिस तरह से भी आपको नीड है तो इसके थ्रू आप यहाँ पर टॉप 3 परफॉर्मर को निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोअर परफॉर्मर की। तो पहले हम इसको, अब इसको मैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, तो ये वाला टॉपिक हम क्लोज कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू पर। यहाँ भी तो यहाँ पर हमारा क्या है टॉप 3 लोअर। अब यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका जो सबसे कम सेल है वो निकालते हैं। तो उसका हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे, इक्वल टू स्मॉल, तो यहाँ एरे पूछ रहा है तो एरे क्या है ये वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पर। तो बॉटम की हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम ये देखिए सबसे जो कम सेल है वो है यहाँ पर रमेश कुमार की जो कि है ये, यानी कि ये जो पर्सन है ये है डेंजर जोन में। तो इसको हम रेड कर देते हैं, 5000 सबसे यानी कि कम की सेल है। अब इसको भी हम एक्स लुकअप के थ्रू यहाँ पर डेटा लाते हैं इसका। तो एक्स लुकअप पर लुकअप वैल्यू हमारा रहेगा ये वाला, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम सेम ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। रिटर्न बाय एरी में हमें चाहिए यहाँ पर सेल्स पर्सन का नेम, उसके बाद हम इसको यहाँ पर इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर निकल के आ गई वैल्यू रमेश कुमार, यानी कि जो सेल्स पर्सन है उसका यहाँ पर आया कि सबसे जो लोअर परफॉर्मर है वो है रमेश कुमार। ये तो होगी फर्स्ट की। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड एंड थर्ड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर हमें आप टाइप करेंगे स्मॉल, एरे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, फिर ये हो जाएगा हमारा। तो उसको हम ड्रैग कर लेंगे। तो ड्रैग करने से पहले आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर इसको आपको फ्रिज कर लेना है ताकि जो हमने एरे लिया है सेल वाला वो यहाँ पर फ्रेंड्स उसका चेंज ना हो। तो ये मैंने फ्रीज कर लिया है और इसको हम ड्रैग करते हैं। तो ये देखिए अब जैसे ही क्या है, सबसे सबसे जो बॉटम का है वो है 5 6 7, तो ये देखिए 5 6 7, यानी कि ये तीनों जो हैं बॉटम परफॉर्मर। तो उसको हम यहाँ पर इस तरह से रेड कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमें इनका सेल्स पर्सन का नेम चाहिए, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पर एक्स लुकअप। तो लुकअप हमें किसके हिसाब से चाहिए, यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू के हिसाब से। तो ये पहला हमारा यहाँ लुकअप वैल्यू हो गया। और लुकअप एरे किस में से चाहिए, वो चाहिए हमें इस डेटा में से, तो उसको हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। देन रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे हमारा क्या रहेगा यहाँ पर ये वाला सेल्स पर्सन। ये देखिए फ्रेंड्स ये आ गए लोअर परफॉर्मेंस, सबसे 5000 इनकी सबसे जो कम सेल है वो है रमेश कुमार की। देन आप देख रहे हैं कि 6000 जो है वो है यहाँ पर मनीष कुमार की, और आखिरी में जो है 7000 वो है यहाँ पर नेहा कुमार की। तो ये था हमारा कि किसी भी डेटा में से अगर वैल्यू में कोई डेटा है
तो उसमें से अगर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे उसको आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैंने आपको बताया कि सबसे अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो कैसे आप निकाल सकते हैं, और अगर उसी में से आपको टॉप थ्री परफॉर्मर निकालें तो कैसे उसको आप निकाल सकते हैं। और सेम उसके अपोजिट मैंने बताया, अगर आपको किसी भी डेटा में से वैल्यू में से अगर सबसे कम की अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे उसको आप निकाल सकते हैं, सेम उसी तरह टॉप थ्री लोअर परफॉर्मर अगर आपको निकालना है किसी डेटा में से तो उसको आप कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाया कैसे आप जो है लोअर और टॉप परफॉर्मर कैसे निकाल सकते हैं विथ एक्स लुकअप के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।